से वो राय ले सकती है कि सर 5000 बोल रहा है दे कि नहीं दे, दे सकते हैं, लड़का लायक है या लड़की लायक है, दे सकते हैं, तो मैनेजर से अप्रूवल हो गया, तो एचआर को बॉस से बात करने का ग्राउंड मिल गया। अब बॉस को फोन लगा कि सर ऐसी बात है इस पोस्ट के, तो ठीक है 3500 दे दो, तो नहीं सर वो 5000 मांग रहा है, ठीक है 4000 कर दो, नहीं सर वो 5000 से नीचे नहीं लेगा, तो मैनेजर से बात की हो, हाँ सर वो तैयार है, ठीक है दे दो। तो रिक्रूटमेंट भी करती है, कोई दिक्कत है? अब ये अटेंडेंस सीट और सैलरी सीट फाइनल करके एचआर अकाउंट में भेजेगी, अकाउंट रीचेक करेगा और उस पर फाइनल की मोहर लगेगी। अब समझ में आया? तब जाके सैलरी बनेगी और पैसे तय किए जाएंगे कि इस महीने आपकी सैलरी कितनी बनती है। कोई डाउट? आपके एब्सेंट और लीव का सवाल का जवाब तब कौन देगा, अकाउंटेंट या एचआर? एचआर, एचआर। कोई दिक्कत? आपको ट्रांसफर करवाना है, आपको नौकरी बदलनी है, आपको सैलरी बढ़वानी है, सैलरी घटवानी है, अपने भाई को नौकरी लगवानी है, इन सब का सवाल का जवाब कौन देगा? एचआर। ठीक है, 95% केसेस में एचआर लड़कियों को दिया जाता है और एचआर मैनेजर के रैंक की ऑफिसर होती है, किसी भी ऑफिस में आपको नौकरी से निकाल सकने का भी पावर उसके पास होता है। तो डाउट? चलो यहां एचआर नहीं है, यहां सारा काम अकाउंट देखता है। स्कूल में ऐसे एचआर नहीं होते, आपको लग रहा है अटेंडेंस सीट बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना? इसमें एक गलती आप नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, गलती होने की संभावना, आपको कहीं ए से एब्सेंट लिख दिया और कहीं आपने एल कर दिया, तो गिनने वाला अगर आप नहीं रहेंगे, आप नहीं है तो आप छुट्टी पर रहेंगे तो क्या सैलरी नहीं मिलेगी लोगों? आप तीन दिन छुट्टी पर चले गए, उसी समय सैलरी की बात आ जाएगी, तो मैनेजर क्या बोलेगा? जैसे अगर मालिक को टीचर छुट्टी ले लेता तो क्लास बंक जाता है, अरेंजमेंट होता है, बहुत होगा कि आपका साइंस का सब्जेक्ट था तो साइंस नहीं पढ़ा के हिंदी पढ़ाई।